लाइफ में ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसकी खुशी अलग होती है जैसे चाय के साथ एक्स्ट्रा बिस्किट गोलगप्पे के साथ एक्स्ट्रा सूखी पूरी, आलू पराठे के साथ एक्स्ट्रा मक्खन और फरवरी में गवर्नमेंट एस्ट्रेंड के प्रिपरेशन के लिए एक, एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ सभी गवर्नमेंट एग्जाम के सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अपू नाइनटी परसेंट ऑफ इतना ही नहीं, नहीं फाइनल सिलेक्शन होने पर पाइए हंड्रेड परसेंट हेलो एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आ गए हम लाइव है ना तो भाई जल्दी से पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि इस टाइम पर क्लास हो रही है जो कि जनरली नहीं होती है हमारी क्लास डेली होती है 7 पीएम पर और आगे भी 7 पीएम पर ही होगी बट आज 7 पीएम पर आपको पता है कि टेस्ट बुक रेलवे का चैनल लॉन्च हो रहा है तो इस वजह से उस समय क्लास नहीं हो पाएगी ठीक है तो जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन तक ये क्लास पहुंचे उनको भी पता चल जाए कि क्लास अभी लाइव हो चुकी है है ना तो फटाफट से सभी लोग शेयर कर दीजिए हम भी शेयर कर रहे हैं आप भी शेयर कर दीजिए ओके चलो शुरू करते हैं फिर क्लास यस yes, जय श्री राम भाई जय श्री राम वेरी गुड इवनिंग ओके तो आप सभी लोगों को पता है कि शेड्यूल कुछ इस तरीके से चलता है कि आपको फ्री यूट्यूब बैच मिल रहा है सीजीएल या सी एच एस एल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अगर आपका टारगेट है तो हम चार मिल करके आपका सिलेक्शन कराने की बात यहां पर आपसे कह रहे हैं हमारी क्लास डेली होती है सीक्वेंस यही है पहले रीजनिंग की फिर मैथ्स की फिर जीके जीएस की फिर इंग्लिश की यहां पर शुरुआत मैं करता हूं डेली सेवन पी पर यह बात याद रखिएगा आगे बढ़े ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर आपको पीडीएफ वगैरह सब मिलते रहते हैं तो रीजनिंग का कंटेंट अगर आपको अप टू डेट कंटेंट चाहिए आज अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे सभी क्वेश्चंस की तैयारी आप यहां इस टेलीग्राम चैनल पर आकर के कर सकते हैं ठीक और जैसा कि मैंने अभी बताया कि रेलवे का जो हमारा नया चैनल है रेलवेज बुक रेलवे आज लॉन्च होगा सात बजे तो आप उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा आज हम कौन सी डेट और कौन से शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं तो एस एस सी सी जी एल टीयर वन को ही हम डिस्कस करेंगे छब्बीस जुलाई 2023 को ये पेपर हुआ था शिफ्ट थी हमारी ग्यारह पैंतालीस से बारह पैंतालीस यानी कि सेकेंड शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट का ये पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पर हम लोग सभी 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे देखना है कि 25 में आपका स्कोर कितना आता है 25 में कितने क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाते हैं ठीक है तो जल्दी जल्दी से क्लास को एक बार फिर से मैं बता दूं कि शेयर कर दें ताकि ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े लाइव क्लास में तो मुझे भी ज्यादा मजा आए आपको भी ज्यादा मजा आए और क्लास अच्छी लगेगी तो सभी लोग लाइक भी करते चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इस शिफ्ट में छब्बीस जुलाई को वो क्वेश्चन था ये चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और मुझे पता है कि हम लोग जैसे आज दोपहर में क्लास कर रहे थे ना टाइम के साथ तो टाइम के साथ ही करेंगे और मजा आएगा सबसे पहले आंसर देखते हैं कि कौन हमें देगा 30 सेकंड का समय शुरू हो रहा है सबसे पहले हमें कौन आंसर करके देगा ये हमें देखना है और याद रखिए कि जो सबसे पहले आंसर करके देगा उसका नाम हम बोर्ड पर लिखेंगे ठीक जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका नाम हम बोर्ड पर लिखेंगे और आंसर केवल आप ऐसे दीजिएगा वन टू थ्री फोर ऑप्शन वन ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर ठीक है तो आप केवल आंसर दीजिए वन टू थ्री या फिर फोर हेलो गायत्री हेलो राजन हेलो स्नेहा हेलो हर्षिता हेलो हेलो कीर्ति वेरी गुड इवनिंग सो so, मुझे अमृत ने सबसे पहले आंसर दिया है अमृत ने हमें सबसे पहले आंसर दिया है एटी वन अभी पता नहीं सही है कि नहीं ठीक है अमृत का आंसर आया एटी वन और कोई हर्षिता ने भी फोर बोला स्नेहा किसने तुम्हारे दोस्तों को बुरा भला कह दिया भाई चलिए विनोद भी हमें कह रहे हैं फोर होगा अमृत भी कह रहे हैं हमें फोर होगा तो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट तो आंसर इसका बिल्कुल ठीक है एटी वन इसका राइट right आंसर है शाबाश अमृत का आंसर सबसे पहले आया था ठीक है अमृत तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है ए एम आर आई टी ठीक है क्योंकि भाई नाम की स्पेलिंग कुछ लोग अलग भी रख सकते हैं तो अमृत का आंसर सबसे पहले आया था बहुत बढ़िया अमृत और यहां पर लॉजिक क्या था जरा इसको समझते हैं आप यहां पर देख रहे होंगे ये जो नाइन है ये आपका थ्री का स्क्वायर है ये आपका थ्री का स्क्वायर है, यह है यहां पर एक जो है ये आपका ग्यारह का स्क्वायर है तो यहां पर भी कोई स्क्वायर नंबर आना चाहिए तो स्क्वायर के हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा लेकिन अभी भी दो ऑप्शन है अब यहां पर तीन का ही स्क्वायर क्यों है स्क्त तो दो हूं कि अगला नंबर तो दो का अगला नंबर तीन, तीन का स्क्वायर हो गया लेकिन यहां पर छह का अगला नंबर तो सात होता है सात का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो कुछ और बात हो रही है क्या बात हो रही है कि जैसे ये जो टू लिखा हुआ है टू और इसका पिछला नंबर वन होता है तो टू प्लस वन कर देंगे तो थ्री आ जाएगा थ्री का स्क्वायर लिख दिया जैसे यहां पर सिक्स है तो सिक्स का पिछला नंबर फाइव होता है तो छह पांच ग्यारह होता है और ग्यारह का स्क्वायर बने मुझे ट्वेंटी तो वन आ जाएगा यही इसका लॉजिक था जस्ट पिछले वाले नंबर को एड करने के बाद उसका स्क्वायर लिख रहे थे है ना लवकुश वेरी गुड इवनिंग भाई सबको समझ में आ गया सर आज क्लास जल्दी क्यों कर ली क्लास जल्दी इसलिए कर ली क्योंकि सात बजे क्लास नहीं हो पाएगी इस वजह से पांच बजे क्लास हो रही है आंसर देता है क्वेश्चन नंबर टू हमारे स्क्रीन पर यह क्वेश्चन है लेटर एनॉलॉगी का यह क्वेश्चन पूछा गया था लेटर एनलॉगी का थर्टी सेकेंड का टाइम समय बीत रहा है पंद्रह सेकेंड बचे आपके पास तो मिस्टर खिलाड़ी यानी कि राजन का आंसर सबसे पहले मुझे मिला है एच और कोई कीर्ति ने भी आंसर दिया एच एस टी इंदिरा सिंह वेरी गुड इवनिंग हर्षिता ए ए ओके समय हो गया है खत्म और राजन का आंसर सबसे पहले आया था चेक करते हैं बिल्कुल सही है सो so, यहां पर राजन का नाम हम लिख देते हैं भाई राजन का आंसर सबसे पहले ही हमें मिला है लॉजिक क्या है यहां पर देखिए क्यू है आई है एन है इनका रिलेशन है एक्स पी और यू से कैसे बन रहा है ये लॉजिक क्या होगा यहां पर इसको समझते हैं भाई अगर मैं क्यू से एक्स बनाऊंगा तो ये सत्रह है और ये चौबीस है सत्रह तीन बीस चार चौबीस यानी कि मैं सात प्लस कर रहा हूं आई से पी की बात करूंगा नौ और एक दस और छह यानी कि यहां पर भी सात प्लस हो रहा है यहां देखेंगे चौदह है ये इक्कीस है यहां पर भी सात प्लस हो रहा है मतलब सभी में सेवन, सेवन 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 प्लस हो रहा है यहां पर भी हो रहा होगा इसमें भी करेंगे सेवन प्लस तो सात एक आठ यानी कि एच आ जाएगा एच यहां पर दिया है यहां पर भी हम क्या कर देंगे सात प्लस कर देंगे बारह और सात उन्नीस यानी कि एस आएगा एस दिया हुआ है यहां पर भी सात प्लस कर देंगे तेरह सात बीस यानी कि टी आ जाएगा एच एस टी यही लॉजिक था और आपका आंसर आ गया सर वन थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव मार्क्स आया एस एस सी जी डी के मॉक टेस्ट में आज बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपको पता है आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये ठीक है पहले ब्रैकेट में तीनों नंबर का दूसरे ब्रैकेट में तीनों नंबर का आपस में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन रखने वाला एक ऑप्शन आप हमें बताइएगा ठीक है थर्टी सेकेंड शुरू होते हैं अब एक साठ में से बहुत अच्छी बात है बेटा समय तो हो गया समाप्त राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग ए होगा अगेन ए सो गायत्री योगी का आंसर आई थिंक ए आया है सबसे पहले गायत्री ने आंसर दिया यहां पर गायत्री फिर कीर्ति गायत्री कीर्ति गायत्री कीर्ति ठीक है चलो देखते हैं भाई यहां पर आंसर क्या है इसका राइट आंसर राइट आंसर तो ए है बिल्कुल बहुत बढ़िया लेकिन ये आ कैसे जरा है ये इसको समझते हैं तो सर ये नौ का मान लीजिए दो गुना लेकिन यहां पर चौदह का दो गुना नहीं दिया है तो ये दो गुना तो नहीं होगा और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है बोलो अट्ठारह का स्क्वायर होता है लेकिन यहां पर तो कुछ और हो रहा है और क्या हो सकता है बोलो 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 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें नौ और अठारह का मल्टीप्लाई कर दें कितना एटीन है और ये नाइन है इनका जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा, लेकिन वन सिक्सटी टू से तीन सौ चौबीस कैसे बनेगा तो आई थिंक ये इसका डबल है सोलह दो बत्तीस दो का दो चार यहां पर अगर मैं इसका डबल कर देता हूं तो यहां पर टू टू झा फोर सिक्स टू ट्वेल्व और ये हो गया टू वन झा टू और एक ये थ्री तीन चौबीस ये हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और उसका दो गुना कर दीजिए तीसरा नंबर मिल जाएगा यहां पर भी अगर मैं यही काम करता हूं चौदह और ग्यारह के साथ भी हम यही काम करते हैं तो चौदह है और इसका हमको ग्यारह गुना करना है सबसे पहले तो तो ये कितना आ जाएगा चौदह फिर वापस से यहां पर हम कर देंगे चौदह ये कितना हो गया वन फाइव फोर और वन फाइव फोर का भी हमको डबल कर देना है फोर टू झा एट फाइव टू झा टेन और ये हो गया तीन सौ आठ ये तीन सौ आठ देखो दिया हुआ है अब यही लॉजिक हमें किस ऑप्शन में मिल रहा था तो बच्चों ने कहा फर्स्ट वाले में ही देख कर देख लेते हैं फर्स्ट वाले में देखते हैं तो बारह है और ये सात है है ना बारह सत चौरासी चौरासी का भी क्या कर देना है डबल कर देना है 4, 2008, 8, 128, बहुत बढ़िया राइट आंसर ऑप्शन था नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए मैं आपको सिर्फ दूंगा बीस सेकेंड बीस सेकेंड में मुझे बताइए कि इन लेटर्स का जो प्रतिबिंब पी क्यू रेखा पर पड़ेगा वो कैसा बनता हुआ दिखाई देगा इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा पी क्यू रेखा पर वो कैसा बनता हुआ दिखाई देगा बोलो ओके okay, राजन का आंसर सबसे पहले आया है यहां पर हम देख पा रहे हैं कि राजन ने सबसे पहले हमें यहां पर आंसर दिया राजन ने हमें सबसे पहले यहां पर आंसर दिया है देखो क्या हो रहा है यहां पर सबसे पहले डी का रिफ्लेक्शन दिखेगा जो कि उल्टा होगा डी यहां पर नहीं है बाकी सब में फिर के का रिफ्लेक्शन की बात करेंगे के हमें उल्टा दिखाई देगा यहां पर नहीं है इसको भी कैंसिल कर दो फिर टी का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा सीधा टी होना चाहिए यहां पर टी उल्टा दे दिया ये भी हटा दो राइट आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा ठीक है बहुत आसान बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि सिलॉक्स का क्वेश्चन है तीस सेकंड का समय हमारा शुरू हो रहा है अब जल्दी से सॉल्व कीजिए तीस सेकंड आपके पास है जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा ओके राइट आंसर क्या है इसका स्नेहा कहां जा रही हो बेटा ए होगा वन एंड थ्री वन एंड थ्री तो फोर में दिया हुआ है वन एंड थ्री तो फोर में दिया हुआ है यहां पर मिले जुले आंसर हमें देखने को मिल रहे हैं आइए इसको देखते हैं पहले सॉल्व करते हैं सभी स्टार हमें बताए गए हैं तो सभी स्टार को सबसे पहले तो हम मून बना देते हैं सभी स्टार मून हो जाएंगे कुछ मून हमारे सन होने चाहिए कुछ मून हमारे सन हो जाएंगे सभी सन हमारे सैटेलाइट होने चाहिए सभी सन हमारे सैटेलाइट हो जाएंगे अब यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूं कंक्लूजन में तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया है सभी स्टार हमारे मून है कुछ मून हमारे सन है सभी सन हमारे सैटेलाइट है कंक्लूजन देखिए कुछ सैटेलाइट क्या मून है तो यस yes सर हम यहां पर देख सकते हैं कि कुछ सैटेलाइट हमारा मून का पार्ट है फॉलो करेगा कुछ सैटेलाइट क्या स्टार है तो सैटेलाइट और स्टार एक दूसरे से अलग है ये फॉलो नहीं करेगा कुछ मून क्या हमारे स्टार है तो यस yes, मून के अंदर स्टार हमें दिया है ये भी फॉलो कर जाएगा तो राइट right आंसर इसका बोथ फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलोज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो ऑप्शन नंबर फोर और आई थिंक की हर्षिता ने हमें यहां पर सबसे पहले आंसर दिया है क्यों फर्स्ट एंड थर्ड यस हर्षिता का आंसर यहां पर सबसे पहले आया है हर्षिता का हर्षिता का आंसर यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिला है नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दिया जाए कि भाई डिस्काउंट पर डिस्काउंट आप लोगों को मिल ही रहे हैं तो एसएससी सुपर पैक अभी आप ले सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर एस एस सी सुपर पैक जिसमें बुक का पास प्रोफ आपको फ्री मिल जाएगा बारह महीने के लिए सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं में, आपको मेरा यूज़ करना होगा, है, और इसी के साथ साथ बाकी है ध्यान दीजिए बस कूपन कोड लगाइए डिस्काउंट लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ठीक है अभी इसमें क्या कह रहा है आठ तेरा इक्कीस का जो आपस में रिलेशन है तेरह अट्ठारह इकतीस का भी आपस में वही रिलेशन है और वैसा ही रिलेशन रखने वाला एक ऑप्शन हमें बताइए वैसा ही रिलेशन रखने वाला एक ऑप्शन आप हमें बताइए क्वेश्चन नंबर है जल्दी जल्दी करो और जो लोग भी भी अभी शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो मेरी बात सुन ले ध्यान से क्लास शेयर नहीं करोगे माता रानी पाप लगाएगी बेटा शेयर करो जल्दी जल्दी बहुत आसान सा क्वेश्चन है तेरह और आठ को जोड़ देंगे इक्कीस मिल जाएगा तेरह और अठारह को जोड़ देंगे इकतीस मिल जाएगा पहले दो नंबर को जोड़ दीजिए तीसरा नंबर मिल जाएगा यहां पर नौ चार तेरह का तीन इधर एक दो तीन बहुत बढ़िया फर्स्ट में ही आपको नहीं हो नहीं हाँ आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा मैंने भी नहीं पढ़ा दोनों को जोड़ने से मिल रही है बात है बहुत आसान लेकिन अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें सामना करना पड़ेगा निगेटिव मार्किंग का है ना नॉट फॉलोज लिखा हुआ है नॉट रिलेटेड तो अगर हम यहां पर देखेंगे इनका सम इकतीस ठीक है आठ तीन ग्यारह ठीक है सत्रह बारह उन्तीस ठीक है ये आंसर होगा क्योंकि ग्यारह और सोलह का अगर हम सम कर देंगे तो हमको सत्ताईस मिलना चाहिए हमें दिया ट्वेंटी नाइन इस वजह से आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन फोर ठीक चलो क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं टाइमर नहीं ले रहे हैं ठीक है जल्दी जल्दी करते हैं यहां पर आपने देखा कि कुछ एलिमेंट्स हैं और सीरीज चल रही होगी कुछ फर्स्ट से सेकंड सेकंड से थर्ड से से थर्ड से फोर्थ फोर्थ से फिफ्थ चेक करिए बताइए क्या होना चाहिए नजर हटी दुर्घटना घटी बिल्कुल हेलो राहुल फर्स्ट से सेकेंड में चेंजेस क्या हुए जरा ये देखो ये दोनों अपनी जगह आपस में बदल रहे हैं वाई और ए टी और ट्राइंगल अपनी जगह आपस में बदल रहे हैं टी और ट्राइंगल और ये दोनों तो सेम है बीच में क्या हो रहा है एट आगे आया हार्ट आगे आया अब एरो आगे जा नहीं सकता था तो वो सबसे पहले आ गया ये चेंजेस हुए हैं फर्स्ट सेकंड में सेकंड से थर्ड में भी क्या यही चेंजेस हुए हैं नहीं क्या हुआ है एट पीछे आया है ऐसे एरो ऊपर गया ए आगे आ गया सर्कल जो या तो जीरो ऐसे आ गया ये क्लॉक वाइज घूम गए क्लॉक वाइज चारों घूम गए फिर यहां पर क्या हुआ है हार्ट हमारा ऊपर आ गया है टी हमारा ऊपर आ गया है ट्राइंगल ऊपर जा नहीं सकता था तो सबसे नीचे आ गया और वाई और ई ने अपनी जगह आपस में बदल ली है ये परिवर्तन हुए हैं सेकेंड से थर्ड में अब आप देखेंगे फर्स्ट से सेकंड में क्या हुआ देख लिया सेकंड से, से थर्ड में क्या हुआ देख लिया थर्ड से फोर्थ में देखेंगे तो आप यही वाला पैटर्न वापस से देखेंगे ए आगे गया ओ आगे गया टी पहले आ गया एरो और ई ने अपनी जगह आपस में बदल ली ट्राइंगल और ये जो हार्ट है इन दोनों ने अपनी जगह आपस में बदल ली ए और वाई अपनी जगह पर सेम है अब हमको वापस से ब्लू वाले जो चेंजेस हैं वो करने हैं गब्बर आप मेरा नाम नहीं लिखे अच्छा रुको हम लिख देते हैं भाई तुम्हारा नाम हम नहीं लिखे थे हमने एक्चुअली पोल नहीं दिया था वहां पर क्या नाम है तुम्हारा गब्बर लो एक तो इतना प्यारा नाम रखा है तुमने इतना क्यूट नाम है तुम्हारा कितना क्यूट नाम है तुम्हारा बेटा यहां पर क्या होगा तो एट इधर आ जाएगा टी ऊपर आ जाएगा ई इधर आ, आ जाएगा ए नीचे आ जाएगा ठीक है तो एट और ऊपर टी होना चाहिए एट के ऊपर टी होना चाहिए ये ऑप्शन गलत है ये ऑप्शन गलत है एट के ऊपर टी ए टी E और नीचे ए होना चाहिए ये तो सब में है और क्या हो रहा था ये दोनों अपनी जगह आपस में बदलेंगे तो वाई फिर एरो होना चाहिए था यहां पर एरो फिर वाई दिया है तो ये भी गलत है राइट आंसर ऑप्शन वन होगा राइट आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा दस मिनट में आ रही सर कहा जा रही तू कहां जा रही तू हां दस मिनट में आ रही सर दस मिनट में तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे ठीक है टाइम है कल आपको क्लास सात बजे ही मिलेगी कल की क्लास सात बजे ही होगी चिंता ना करिए आज बस सात बजे वाली क्लास पांच बजे हो रही है आपको सात बजे ही क्लास मिलेगी परेशान मत होइए। और अगर आप कुछ कर सकते हैं अभी तो इतना कर दीजिए कि क्लास शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग सात बजे का वेट कर रहे होंगे वो कम से कम ये क्लास देख लें अभी आकर के सी एन वाई का रिलेशन जी आर सी से है एफ आर एल का रिलेशन जे वी पी से है तो आई टी के का रिलेशन कौन से तीन लेटर से होगा सी एन वाई का जो रिलेशन है वो है जी आर सी से ठीक कैसे बन रहा है सोचो एफ आर एल का रिलेशन जो होगा एफ आर एल का रिलेशन जे वी पी से है तो उसी तरह आई टी के का रिलेशन कौन कौन से तीन लेटर से होगा क्या करोगे तो अगर मैं सी से जी बनाऊंगा तो ये तीन है ये सात है यानी कि प्लस फोर हुआ है अगर मैं एन से आर बनाऊंगा तो सिंपली फिर से प्लस फोर अगर मैं वाई से सी की बात करूं तो वाई के बाद जेड फिर वापस से ए बी सी यानी कि वापस से फोर प्लस हो रहा है यहां पर भी छह चार दस अट्ठारह चार बाईस और बारह चार सोलह तो इसमें भी चार प्लस कर देंगे तीनों में आपका आंसर आ जाएगा नौ चार तेरह यानी कि एम दस चार चौदह यानी सॉरी बीस और चार चौबीस यानी कि एक्स और के में चार प्लस कर दीजिए तो ग्यारह और चार पंद्रह ओ एम एक्स ओ एम एक्स ओ राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर में है राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन देख लो भाई ईच का कोड है नाइनटी सेवन ईजी का कोड है सिक्सटी फोर तो एको का कोड क्या होगा एक् का कोड क्या होगा गौतम बुद्ध नगर में आंधी तूफान आ रहा है जी बी टी जी बी टी में क्या आ रहा है भाई आंधी तूफान तो ईच का जो कोड है वो है 97 घर के अंदर रहो बेटा बाहर मत निकलना इजी का जो कोड है प्यारे बच्चों वो दिया गया है 64 तो मुझे ये बताइए एको एको का कोड क्या होगा ठीक है ईच का कोड दिया इजी का कोड दिया एको का कोड हमसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों जल्दी से सॉल्व करके बताओ 83 आएगा कीर्ति ने बोला 83 मिस्टर खिलाड़ी कह रहे हैं 86 हर्षिता ने अपना आंसर डिलीट कर दिया दो लोगों के आंसर हैं दोनों के अलग-अलग आंसर हैं अभी तक देखिए इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करने से 97 नहीं आएगा आपको भी पता है ये 8 5 13 आठ पांच तेरह एक चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह से नाइनटी सेवन कैसे बन जाएगा नहीं बन रहा इनके अपोजिट की बात करता हूं ई e का अपोजिट वी ए का अपोजिट होता है Z, और सी का अपोजिट होता है एक्स एच का अपोजिट होता है S. इनकी प्लेस वैल्यू देखो वी होता है 22, जेड होता है ट्वेंटी सिक्स एक्स होता है 24, एस होता है 19. सबको ऐड करो 6, 4, 10, 19, 20, 21 का एक इधर दो इधर दो दो चार दो छह सात आठ और एक नौ नाइनटी वन नाइनटी वन अच्छा 91 में 6 प्लस करेंगे तब बनेगा 97 91 में 6 प्लस करेंगे तब बनेगा 97 है कि नहीं इजी में देख लेते हैं ई e का ऑपोजिट वी 22 ए का ऑपोजिट जेड 26 एस का ऑपोजिट एच 8 और वाई का ऑपोजिट बी यानी कि 2 तो 8 2 10 6 16 17 18 का 8 इधर एक इधर दो दो चार और एक ये 5 58 हो गया और इसमें भी छह प्लस कर दीजिएगा तो आपको 64 मिल जाएगा ये देखिए 64 दिया गया है सभी लेटर्स के अपोजिट की प्लेस वैल्यू को जोड़ लीजिए फिर छह प्लस कर दीजिए सभी लेटर्स के अपोजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड कर लीजिए फिर उसके बाद सिक्स प्लस कर दीजिए इको में देखिए ई e का 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 अपोजिट 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 वी होता है सी एक्स एच एस ओ एल सबको जोड़ दो भाई तो चार पांच छह सात आठ 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 सोलह एक सत्रह का सात इधर एक इधर दो दो चार पांच छे सात सतहत्तर हो गया सर इसमें छ प्लस कर दीजिए तीन अस्सी तीन तिरासी यानी कि एट्टी थ्री कीर्ति का आंसर सही था कीर्ति का आंसर सही था भाई आ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कीर्ति ने आंसर दिया था 83, कीर्ति का आंसर आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका 83 ऑप्शन नंबर टू में दिया गया राजन तुम्हारा आंसर गलत हो गया बाबू हाँ 86 सिक्स तुमने आंसर दिया था चलिए क्वेश्चन नंबर टेन पे आते 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 हैं स्कूटर का रिलेशन इन लेटर से है एरोप्लेन का रिलेशन आगे दिया गया इन लेटर से है तो हेलीकॉप्टर का रिलेशन कौन कौन से लेटर से होगा स्कूटर सॉल्व करो जल्दी उस स्कूटर का रिलेशन है एस जी डब्ल्यू एस टी आई जेड ये हो गया स्कूटर का रिलेशन इन लेटर से कैसे बन रहा है सोचो जय श्री राम वेदिका साहू जय श्री राम बेटा ये तो सेम लेटर हो गया लेकिन आगे ऐसा नहीं है तो ये आर से बन सकता है आर में प्लस वन कर दीजिए ऐसा आ जाएगा है ना ई से जी बना लीजिएगा तो प्लस टू कर दीजिएगा टी से डब्लू बना लीजिएगा तो प्लस थ्री कर दीजिएगा ओ से एस बना लीजिएगा तो चार प्लस कर दीजिएगा ओ से टी बना लीजिएगा तो फाइव प्लस कर लीजिएगा सी से आई बना लीजिएगा तो छह प्लस कर लीजिएगा एस से जेड बना लीजिएगा तो उन्नीस और एक बीस छह छब्बीस यानी कि सात प्लस कर दीजिएगा तो सात छ पांच चार तीन दो एक क्रॉस करते हुए सबसे पहले एस होना चाहिए था ये कैंसिल कर दीजिए फिर ई में दो प्लस कर दीजिएगा पांच छह सात जी आना चाहिए एस के बाद ये भी कैंसिल कर दीजिए दोनों में देखिए डब्ल्यू दोनों में टी डबल टी आई पी एल ओके लास्ट लेटर चेक कर लेते हैं तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो एच में दस प्लस करना है क्योंकि ये दसवें नंबर पर आ रहा है दस प्लस करेंगे हमारा आठ होता है आठ में दस प्लस करेंगे अठारा, अठारा आर, आर, आर यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर फोर में होगा आंसर ऑप्शन नंबर फोर में डी होगा यस लास्ट में आर चाहिए था चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आते देखो भाई सात बजे क्लास नहीं ले रहे हैं पांच बजे ले रहे हैं लेकिन देखो कितने कम बच्चे देख रहे हैं क्यों क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्लास चल रही होगी यही तो हो सकती है बात वरना क्या रीजन होगा कि बहुत सारे बच्चे जो आते हैं वो इस टाइम पर क्यों नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे हैं शेयर कर दो कम से कम इतना काम तो करो ईमानदार बनो थोड़े से हा? इतनी तो आपसे गुरु दक्षिणा मांग ही सकते हम पैसे तो मांगते नहीं है सबके लिए कम से कम आप शेयर कर सकते हैं हाँ जी क्या हो रहा है सर ये नंबर बढ़ा फिर, बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा आगे फिर बढ़ेगा लेकिन कैसे बढ़ रहा है तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका क्या हो रहा है सर ये पांच गुना हो रहा है टू फाइव टेन फिर ये क्या हुआ है ये इसका चार गुना है फिर ये क्या हुआ ये इसका तीन गुना है फिर ये क्या हुआ ये इसका दो गुना है तो अब क्या होगा एक गुना होगा पांच चार तीन दो एक एक गुना करेंगे तो 240 का एक गुना 240 ही होगा 240 का एक गुना 240 ही होगा सात बजे आएंगे बैठ के इंतजार करेंगे मेरा सात बजे आएंगे इंतजार करेंगे क्वेश्चन नंबर बारह देखो भाई एक ये है पेपर ठीक इसको फोल्ड किया जा रहा है कट किया जा रहा है कैसे कैसे फोल्ड किया गया ध्यान से देखिए पहले पेपर को आधा मोड़ा गया है लेफ्ट की तरफ फिर आधा मोड़ा गया है नीचे की तरफ पहले आधा लेफ्ट की तरफ फिर आधा नीचे की तरफ और उसमें ये कट्स कर दिए हैं जब पेपर को खोलोगे आप तो पहले तो पेपर को ऊपर की तरफ खोलोगे आप पहले तो आप पेपर को ऊपर की तरफ खोलोगे फिर पेपर को आप राइट की तरफ खोलोगे पहले पेपर को ऊपर की तरफ खोलोगे फिर पेपर को राइट की तरफ खोलोगे तो पेपर में जो कट्स बने हैं वो कैसे कैसे बनते हुए दिखाई देंगे एक ऑप्शन बहुत छोटा हो गया है तुम्हारा ये बाकी सारे ऑप्शन तो खैर बड़े हैं सर मेरा नाम क्यों नहीं लिखे इंदिरा सिंह लिख देते हैं तुम्हारा नाम क्या बात है तुमने ऐसी बात कर दी लो इंदिरा ठीक सी आंसर है देखो, देखो भाई जब आप इस पेपर को खोलोगे तो ये सर्कल आपको यहीं पर दिखाई देगा और ये जो एरो है ये एरो इधर दिखाई देगा फिर जब आप पेपर को खोलोगे तो ये दोनों सर्कल इधर दिखाई देंगे एरो का फेस उल्टा हो जाएगा और ये जो कर्व था ये कर्व आपको इधर और ये कर्व आपको इधर और ये कर्व आपको इधर ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा तो ये हमें दिखाई दे रहा है थर्ड में ये हमें दिखाई दे रहा है थर्ड में बिल्कुल थर्ड इसका राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया ओके चलो यहां पर स्टार्स की जगह पर कौन कौन से साइन प्लेस कर दें जिससे समीकरण सही हो जाए जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाए अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से साइन हम यहां पर प्लेस करेंगे है ना किस सीक्वेंस में साइन प्लेस करेंगे अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वल तो सभी में लास्ट में दिया गया है यानी कि यहां पर इक्वल तो आएगा ही इक्वल से पहले डिवाइड सभी में दिया हुआ है तो मतलब यहां पर डिवाइड होगा ही छत्तीस हमारा अट्ठारह से कटेगा ही मतलब दो गुना अट्ठारह का दो गुना छत्तीस होता है बाकी के साइन देखो ध्यान से डी होगा हरीश अपू सेन राहुल हर्षिता भाई फोर्टी फाइव प्लस एटी सिक्स माइनस ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स डिवाइड एटीन दो हजार इक्कीस दे देगा दे आपको तो ये पैतालीस हो गया प्लस हमारा हो गया एट्टी सिक्स हो गया माइनस हमारा माइनस हमारा ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स बाई एटीन है ये नहीं देगा मुझे लग रहा है ये देगा भाई अट्ठारह का दूगुना छत्तीस है हमें बहुत बड़ा नंबर चाहिए दोस्त थ्री टू झा सिक्स हो जाएगा टू टूजा फोर ये तो माइनस का फोर्टी सिक्स हो जाएगा नहीं देगा ये फोर नहीं होगा फोर नहीं होगा फोर नहीं होगा और कोई प्रिंस झा वेरी गुड इवनिंग ये आज की क्लास सिर्फ पांच बजे हो रही है कल से सात बजे ही होगी ये आज बस पांच बजे हो रही है तो ये वाला तो कैंसिल हो गया भाई और बता रहे हैं आप लोग कौन सा सी कह रहे हैं तो यहां पे प्लस कर दें यहां पर हम मल्टीप्लाई कर दें यहां पर माइनस कर दें ठीक है तो अट्ठारह छत्तीस ये तो दो आ जाएगा वो भी माइनस का दो रहेगा ये वैल्यू एक बड़ी निकल के आएगी एट्टी सिक्स और ट्वेंटी थ्री इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना सिक्स थ्री झा एटीन एट थ्री ट्वेंटी फोर और एक ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा सिक्स टू झा ट्वेल्व एट टू और एक ये इलेवन हो जाएगा है ना सिक्स टू झा ट्वेल्व एट टू दस

और ये हो गया दस दो हजार तेईस और इसमें माइनस टू कर देंगे तो दो हजार इक्कीस आ जाएगा अभी ठीक है तो थर्ड वाला ही ही इसका राइट राइट आंसर आंसर होगा थर्ड वाला ही आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये पूछा गया था ये हमें पांच वर्ड दिए गए थे इनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है सही अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए सही, सही क्रम में इन पांचों शब्दों को व्यवस्थित कीजिए सही क्रम में इन पांचों शब्दों को व्यवस्थित कीजिए भाई सबसे पहले आप देखेंगे पी सब में कॉमन है पी के बाद ए सब में कॉमन है फिर आप देखेंगे एन सब में कॉमन है फिर आप देखेंगे डी सब में कॉमन है फिर ई e, 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 फिर ए और ए दिया हुआ है तो पी ए एन डी तो सब में कॉमन है शुरुआत इन्हीं दोनों में से किसी एक से होगी दोनों में ए कॉमन है ए के बाद एन और आर में अगर आप देखेंगे तो पहले एन आएगा यानी कि पहले फोर आएगा फिर फाइव आएगा पहले फोर आएगा फिर फाइव आएगा इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी ये तो सभी ऑप्शन में भी दिया हुआ था है ना तो फोर के बाद लेकिन बाकी का सीक्वेंस पता करना है तो बाकी में ई सब में कॉमन है फिर एम एम आर है एम छोटा है आर बड़ा है थ्री पे खत्म होगा थ्री पे खत्म होगा यानी कि ये कैंसिल कर दो ये कैंसिल कर दो ठीक वन और टू की अगर हम बात करें तो एम कॉमन है दोनों में और ओ और आई में देखेंगे तो आई छोटा है तो टू पहले आएगा वन बाद में आएगा टू पहले आएगा वन बाद में आएगा टू पहले One वन बाद में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है ठीक है ना यहां तक क्लियर है प्रिंस झा राजन हर्षिता रोहित राहुल कीर्ति अपू सेन काजल गब्बर सबको क्लियर है वेनिका साहू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में ये जो आकृति है किसमें छुपी हुई है रोटेशन अलाउड नहीं है ये जो आकृति है किसमें छुपी हुई है रोटेशन अलाउड नहीं है रोटेशन अलाउड नहीं है और ये आकृति किस ऑप्शन में छुपी हुई है सी में छुपी हुई है यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये मुझे दिखाई दिया ये वाला ट्राइंगल है ना ये वाला ट्राइंगल जो है वो हुब 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 उसी के तरह से है है और आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 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 टू टू हो जाएगा मतलब सी नहीं टू में है। सी में कहा जो लाइन है देखो हमें ये स्ट्रेट लाइन चाहिए भैया ये हमें स्ट्रेट लाइन दी गई है हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए अब ये स्ट्रेट लाइन यहां पर हमको मिल गई थी इससे हमने ट्राइंगल बना दिया ये दिख गया हमें यहां पर ये देखिए ना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए थी सी में कहां दिख रहा है कहां दिखाई दे रहा है सी में नहीं आंसर इसका टू होगा चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे आते हैं फोर्टी सेवन इलेवन और सिक्सटी वन का आपस में जो एक रिलेशन है वैसा ही रिलेशन तेरह अड़सठ और चौरासी का है फोर्टी सेवन इलेवन सिक्सटी वन का जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन तेरह अड़सठ और चौरासी का है ये कैसे बन रहा है जरा पता लगाओ हाँ बिल्कुल स्केल लेकर के ही जाना तुम एग्जाम में इमेज रॉन्ग हो जाता है कृति तो मुझे यहाँ पर डी आंसर ज्यादातर तो लोग दे रहे हैं अभी बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है हम यहां पर देख सकते हैं ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है लेकिन लॉजिक क्या है यहां पर देखिए तीसरा नंबर बड़ा नंबर है है ना पहले दो नंबर को अगर मैं यहां पर ऐड कर देता हूं तो 47 और 11 तो ये हमको 58 दे देता है लेकिन हमें क्या चाहिए सिक्सटी वन कितना ऐड कर दिया है हमने तीन और ऐड कर दिया है तो सिक्सटी वन हमको मिल गया अच्छा यहां पर देखिए तेरा है और अड़सठ है इनको अगर मैं ऐड कर देता हूं आठ नौ दस ग्यारह पांच आठ नौ दस ग्यारह ठीक है छह सात और एक आठ इक्यासी है और हमें क्या दिया है चौरासी मतलब वापस से तीन प्लस कर दीजिए चौरासी आ जाएगा बहुत आसान है ठीक है और हमको पूछा भी यही था कि सेम वे से मतलब सेम लॉजिक होना चाहिए है ना तो ये हमें ऑप्शन नंबर जैसे आप लोग बता रहे हो तो फिफ्टी 52 टू है आठ दो दस आठ पांच तेरह एक ये चौदह और इसमें भी तीन प्लस कर दीजिए वन फोर्टी थ्री आपको दिखाई दे जाएगा वन फोर्टी थ्री दिया हुआ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ये क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन है कि मेलोडी को कोड किया गया है एलई एम वाई डीओ में पर्पल को कोड किया गया है आर यू पी पी एल में तो क्लॉस का कोड क्या होगा गोविंद कुमार वेरी गुड इवनिंग हर हर महादेव गोविंद कुमार हर हर महादेव बेटा तो मेलोडी में सभी लेटर्स को इधर उधर कर दिया गया है यही तो है क्रॉस करते हुए तीन तीन का पेयर डी वाई को उल्टा कर दीजिए वाई डी ओ यही हो रहा है पर्पल में भी यही हुआ है क्लॉज में भी यही होगा तो ये शुरुआत के तीन लेटर और आखिरी के तीन लेटर ए एल सी ये कैंसिल कर दो ये कैंसिल कर दो ये कैंसिल कर दो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर में है ए एल सी ई एस यू ए एल सी ई एस यू राइट आंसर ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर एटीन पे जाओ और एम एन रेखा पर मिरर रखा हुआ है एम एन रेखा पर मिरर रखा हुआ है इस मिरर पे जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा ऊपर दिए गए एलिमेंट्स का मतलब अपसाइड डाउन हो जाएगा वो कैसा बनता हुआ दिखाई देगा रेखा पर मिरर है उस पर जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा ऊपर दिए गए लेटर्स का तो भाई एच का रिफ्लेक्शन एच ही रहेगा सब में दिया है लेकिन यहां ई e दिया है ये ई e दिया है तो ये गलत हो जाएगा फिर जे का रिफ्लेक्शन उल्टा होना चाहिए यहां पर जे सीधा लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा फिर क्यों का रिफ्लेक्शन यहां पर क्यों गड़बड़ दिया है तो यह भी हटा दीजिए आंसर ऑप्शन नंबर थ्री होगा आंसर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भाई यहां पर हमें दिए गए चार ऑप्शन जिनमें से तीन किसी प्रकार समान है एक अलग है और आपको पता है यह कैसे करना है यहां पर लेटर्स हैं या तो अपोजिट होंगे या तो कुछ प्लस या माइनस होते हुए आपको दिखाई देगा बोलो बोलो तो मुझे यहां पर फोर वन फोर का पैटर्न दिखा थ्री प्लस फोर जी जी प्लस वन एच एच प्लस फोर एल यहां पर देख लेते हैं यहां पर क्या पैटर्न है तो चार चार आठ आठ एक नौ और नौ दस ग्यारह बारह तेरह इसमें भी फोर वन फोर का ही पैटर्न है ठीक यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर तो दो, दो प्लस हो रहा है फिर आगे और आगे देख लेते हैं तो दो चार दो छह छह दो आठ यहां पर दो 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 प्लस हो रहा है आखिर आगे, आगे देखते हैं पांच चार नौ नौ दो Uh, पांच चार नौ दस और दस चार पांच चार नौ फिर नौ और एक दस दस चार चौदह अब आपको आसानी होगी देखने में कि कौन से तीन ऑप्शन सिमिलर हैं तो फर्स्ट सेकंड फोर सिमिलर हैं फर्स्ट सेकंड फोर सिमिलर हैं और आंसर इसका ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करते हैं जो लेटर्स है इनको हमें प्लेस करना है प्रजापति सर टाइम 5 पीएम पे क्लास होती है क्या नहीं मेरी डेली क्लास जो होती है वो होती है 7 पीएम पर याद रख लीजिए सब लोग मेरी दो क्लास होती है एक होती है दोपहर में एक बजे दोपहर में एक बजे और दूसरी होती है शाम को सात बजे और यही क्लास चलेगी आज सिर्फ पांच बजे हो रही है सिर्फ आज हो रही है पांच बजे लेकिन टाइमिंग यही है याद रख लीजिए और बाकी आप लोगों को टाइमिंग पता चलती रहेगी अभिनव सर टेक्स्ट बुक नाम के इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा यहां पर आपको टाइमिंग पता चलती रहेगी अभिनव सर टेक्सट बुक टेलीग्राम चैनल ठीक है थीके? प्रिंस जहां आ गए तुम तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले तो काउंट कर लें कितने एलिमेंट हैं या यहां पर देखिए यूपी पे खत्म हो रहा है ना ये तो यहां पर देखो यूपी पे खत्म हुआ है ब्रेक कर दो कितने हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ये वापस से पी मिला ब्रेक कर दीजिए एक दो तीन चार पांच वापस से पी मिलेगा ब्रेक कर दीजिएगा यहां पर ब्रेक कर दीजिएगा ठीक है शुरुआत सी से हो रही है तो यहां पर भी सी होना चाहिए यहां पर भी सी है आगे भी सी कर दीजिए सी के बाद देखिए यहां पर ई दिया है यहां पर ई दिया है तो यहां पर भी ई कर दीजिए यहां पर भी ई कर दीजिए सी ई के बाद एक्स यहां पर भी है यहां पर भी है तो यहां पर भी एक्स लिख दीजिए और यहां पर भी एक्स लिख दीजिए लास्ट में यूपी यहां भी है यूपी यहां भी है तो यहां पर भी यूपी कर दीजिए यहां पर भी यूपी कर दीजिए तो C -E X एक्स यू पी सीई एक्स यूपी सीई एक्स यूपी सीई एक्स यूपी यही बार बार रिपीट हो रहा है ये पांच लेटर हैं यही बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हमने कौन कौन से लेटर फिल किए हैं ई e एक्स ये कैंसिल कर दीजिए ई e एक्स के बाद सी यू ये भी कैंसिल कर दीजिए ई एक्स सी यू के बाद e C X राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू बोलो या ना सुशीला रानी स्पीड में करें अच्छा जी भैया आखिरी के पांच क्वेश्चन बचे हैं चलो स्पीड दिखाते हैं फिर लास्ट फाइव आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन और मुझे यहां पर आप ये बताइएगा कि लास्ट में जो इमेज में जो सीरीज चल रही है इस फिगर सीरीज में आखिरी में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कैसी आकृति हमें दिखाई देगी लास्ट में क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने वाला कौन सा ऑप्शन होगा तो फर्स्ट सेकंड में चेंजेस क्या हुए हैं पहले तो हम इसको समझेंगे फर्स्ट सेकंड में क्या चेंजेस हुए हैं तो फर्स्ट सेकंड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं भाई देखो जल्दी से तो के मान लीजिए इधर आ गया और स्टार इन दोनों ने अपनी जगह आपस में बदल ली है ठीक फिर क्या हुआ है फिर क्या हुआ है डी हमारा आ गया इधर एल आ गया नीचे और ये जो एरो था ये निकल के चला गया है ऊपर ये चेंजेस हुए हैं फर्स्ट सेकंड में सेकंड से थर्ड में भी क्या यही चेंजेस हुए हैं तो नहीं ये चेंजेस नहीं हुए कुछ और चेंजेस हुए क्या चेंजेस हुए भाई तो ये दोनों ने अपनी जगह आपकी आपस में बदला है डी और स्टार ने अपनी जगह आपस में बदल ली फिर यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि एरो हमारा इधर आ गया है के हमारा इधर आ गया है एल हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा एल हमारा ऊपर चला जाएगा तो फर्स्ट सेकंड में जो चेंजेस हैं वही चेंजेस आगे नहीं है आगे दूसरे चेंजेस हैं फिर आगे अगर आप देखेंगे तो ये वापस से रेड वाले चेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे रेड वाले चेंजेस अब मुझे वापस से ये ब्लू वाले चेंजेस करने हैं तो ये दोनों सबसे पहले अपनी जगह आपस में बदलेंगे तो यहाँ एरो हो हो जाएगा यहां हो जाएगा एल एरो के बाद एल होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर वन में ही है एरो के बाद एल बाकी कहीं पर भी आप ये नहीं देख पा रहे होंगे सो so एरो और एल अपनी जगह आपस में बदलेगा ऑप्शन नंबर वन इसका राइट right आंसर हो सकता है आप लोग बी कह रहे हैं मेरे हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन वन ही है बी नहीं है ध्यान से देखो भाई ये दोनों अपनी जगह आपस में बदलेंगे दिखा दिया फिर क्या हो रहा था इस तरीके से एंटी क्लॉक घूम रहा है तो स्टार ऊपर चला जाएगा यहां पर स्टार आ जाएगा के इधर आ जाएगा और डी नीचे आ जाएगा अब मिला लो इसको दो देख लो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखिए यहां पर भी स्टार्स की जगह पर कौन कौन से साइन प्लेस करें जिससे इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से साइन हम प्लेस करेंगे इक्वल अलग अलग जगह पर दिया गया है इक्वल अलग अलग जगह पर प्लेस है इस पर भी ध्यान दीजिएगा देखो ट्राई करो जल्दी जल्दी स्टार्स की जगह पर किसको किसको प्लेस किया जा सकता है ट्राई करो जल्दी से ए ट्राई किया और ए सही हो गया चलो ठीक है ऑप्शन वन ही ट्राई कर लेते हैं प्लस दिया है फिर माइनस है फिर मल्टीप्लाई है फिर ये बराबर ये मल्टीप्लाई और ये प्लस तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करेंगे फिफ्टी फाइव प्लस टू फिफ्टी सेवन तो राइट में तो फिफ्टी सेवन आ रहा है इधर देख लेते हैं तो बारह प्लस सत्तर माइनस फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव तो सत्तर और बारह ये आपका हो गया एट्टी टू एट्टी टू में से फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव आप माइनस कर दीजिए बारह में से पांच जाएंगे सात सात में से दो जाएंगे पांच तो लेफ्ट में भी फिफ्टी सेवन राइट में भी फिफ्टी सेवन बात बन जाएगी आंसर ऑप्शन नंबर वन है ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा ठीक है आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखो जल्दी से यहां पर हमें दिए गए हैं छह वर्ड इनको हमें अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में याद रखिए सारे क्वेश्चन बेटा मैंने नहीं बनाए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जुलाई 2023 में यह पेपर पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में सारे क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में पूछे गए तो ए सब में कॉमन है है ना अच्छा चलिए ऑप्शन से करते हैं या तो सिक्स से शुरू है या तो फाइव से शुरू है तो इन दोनों को पकड़ो पहले इन दोनों में से कौन पहले आएगा ए कॉमन सी कॉमन सी कॉमन ई कॉमन अब पी और एस आ गया पी और एस में छोटा कौन है पी पहले पी आएगा फिर एस आएगा पहले फाइव आएगा फिर सिक्स आएगा पहले फाइव आएगा फिर सिक्स आएगा ये हो गया दो ऑप्शन गलत फाइव सिक्स के बाद फोर या टू फोर या टू में तो इन दोनों को चेक कर लीजिए ए सी सी ए सी सी आई और एल छोटा कौन है आई पहले टू आएगा तो टू आना चाहिए थर्ड वाला भी कैंसिल कर दीजिए आंसर इसका ऑप्शन फोर हो जाएगा फाइव सिक्स टू फोर वन थ्री फाइव सिक्स टू फोर वन थ्री राइट आंसर ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आ जाओ भाई यहां पर बताओ जरा पहले ब्रैकेट में तीनों नंबर का आपस में जो रिलेशन है वही रिलेशन दूसरे ब्रैकेट में तीनों नंबर का है और वैसा ही सेम रिलेशन रखने वाला एक ऑप्शन हमें बताइए यहां पर हेमंत कुमार वेरी गुड इवनिंग बेटा बहुत आसान है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स आर नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर आपको भी साफ साफ समझ में आ ही रहा होगा देखिए नौ के बाद एटीज में कोई नंबर दिया गया है यानी कि इसके स्क्वायर के आसपास है तो सिंपली इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दीजिए एट्टी फाइव आ जाएगा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है दोनों को आप बहुत आराम से कर सकते हैं दो का स्क्वायर प्लस नौ का स्क्वायर कर दीजिए इक्यासी और चार कितना हो गया पिच्यासी एटी वन और फोर एटी फाइव यहां पर थ्री का स्क्वायर प्लस किसका करना है वापस से नाइन का ही स्क्वायर लिखा हुआ है थ्री थ्री नाइन एटी वन एटी वन और नाइन प्लस कर देंगे 90 आ जाएगा ये दिया हुआ है अब बताओ किसमें देखने को मिलेगा अब देखिए तेरा के स्क्वायर खुद ही वन उसमें ऐड करेंगे तो वन थर्टी तो नहीं आएगा ये कैंसिल हो गया सेवन सेवन फोर्टी नाइन तेईस का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा होता है ये भी कैंसिल कर दीजिए ये हो सकता है क्या सी हो सकता है सी हो सकता है सेवन का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर ठीक है फोर्टी वाइन नाइन नाइन एटी वन नौ एक दस आठ चार बारह और एक तेरा एक सौ तो तीस बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री राइट आंसर ऑप्शन नंबर में सर प्लीज लाइक शेयर किया है लाइक शेयर किया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आखिरी क्वेश्चन है ये अब होमवर्क तो नहीं दूंगा मैं आज तो सॉल्व ही कर लेते हैं लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ ए वोमेन इज द मदर ऑफ माय फादर्स ब्रदर्स डॉटर हाउ इज सैम्यूएल रिलेटेड टू द वुमेन इन द पिक्चर हाउ इज सैमुअल रिलेटेड टू द वुमेन इन द पिक्चर एक महिला की तस्वीर देखकर सैमुअल ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई की बेटी की माता है सैमुअल ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई के बेटे की माता है यही तो कहा ना सैमुअल ने कहा सैमुअल ने कहा कि वह मेरे भाई वह मेरे पिता के भाई की बेटी की बेटी की माता है ठीक है की बेटी की माता है सैमुअल ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई की बेटी की माता है ये है वो लड़की अच्छा आप मुझसे पूछ रहा है कि हाउ इज सैमुअल रिलेटेड टू द वोमेन इन द पिक्चर तो ये जो व्यक्ति है ये कैसे रिलेटेड है इन महिला से तो इनके पति के भाई का बेटा है पति के भाई का बेटा पति के भाई का बेटा हसबैंड ब्रदर्स सन पति के भाई का बेटा हसबेंड्स ब्रदर्स सन हसबेंड्स ब्रदर्स सन दिव्या शुक्ला लेट आए बेटा तुम कल भी तुम लेट आए थे शायद दिव्या आज भी तुम लेट आए हो ठीक है इन सभी पच्चीसों क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो तुमको मिल जाएगा चिंता मत करो पीडीएफ के लिए तुमको यहां आना पड़ेगा अभिनव सर टेक्स्ट बुक नाम के टेलीग्राम चैनल पर यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है और यहां पर मैंने कोई होमवर्क तो आपको दिया नहीं है तो होमवर्क क्वेश्चन तो कोई है नहीं आपके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है डेली आपको क्लासेस अगर ऐसी ही चाहिए तो ठीक है होमवर्क तो दिया नहीं है अपना स्कोर लेकिन मुझे बता दीजिएगा कि 25 में आपने कितना स्कोर किया 25 में आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में और क्लास कैसी लगी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया कॉमेंट में जरूर लिखिएगा ठीक है सर पीडीएफ नहीं मिलता वीडियो मिलता है अभी तुम जा करके देखो हमारे टेलीग्राम चैनल पर तुमको पीडीएफ ही पीडीएफ दिख जाएंगे ठीक है टेलीग्राम चैनल है बाकी अभी डिस्काउंट चल रहा है आपको भी पता है तो डिस्काउंट का फायदा उठा लीजिए एसएससी सुपर पैक आप ले सकते हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस है फ्री टेक्स बुक पास प्रो है वन टू डबल नाइन रुपीज में बारह महीने का सब्सक्रिप्शन है अभिनव कूपन कोड की हेल्प से आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है आइए जरा चेक कर लेते हैं कि यहां हमें डिस्काउंट कैसे मिलेगा तो मैं गया गूगल पे सर्च किया टेस्ट बुक ये वेबसाइट आई वेबसाइट को हमने ओपन किया जैसे हम ओपन करते हैं यहां पर सुपर कोचिंग पे क्लिक कर देते हैं सुपर कोचिंग पे क्लिक करेंगे एसएससी एग्जाम पे जाएंगे एसएससी एग्जाम पर जाएंगे तो ये देखिए एसएससी सुपर पैक दिया है इस पर डबल क्लिक डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा बैच है अब यहां पर देखिए ऑल प्लान में जाइएगा तो आपको दिखेगा कि सब्सक्रिप्शन कैसे काम करता है या तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे या तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे 12 महीने का या 6 महीने का किताबों के साथ या बिना किताबों के ये आप देख सकते हैं अब आपको जो प्राइस में डिस्काउंट कैसे मिलेगा तो पेमेंट करने से पहले अप्लाई कूपन पे क्लिक करिएगा और यहां पर मेरा कूपन कोड डालिएगा अभिनव ए बी एच आई एन एव मतलब मेरा नाम टाइप कर दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा तो आप देखेंगे कि डिस्काउंट हो गया है 1299 रुपीस, इसका डिस्काउंट हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं चलिए किसी को अगर कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी जल्दी से वरना फिर हम सेशन को रैपअप करते किसी को कुछ पूछना है बहुत अच्छे से समझाते हैं आप सर थैंक यू सो मच ठीक है बेटा देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूं पढ़ा भी अच्छे से रहा हूँ सारी चीजें सब कुछ ठीक है लेकिन अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो ये जमाना क्या कहेगा कि बच्चे तो आते नहीं है सर की क्लास में है ना तो आप सभी लोग जो है क्लासेस में आया करें डेली एक बजे शाम को सात बजे दो टाइम है डेली दोपहर में एक बजे शाम को सात बजे मेरे साथ कनेक्ट करिए और रीजनिंग की बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए ठीक है कॉन्सेप्ट भी सीखिए प्रैक्टिस भी कीजिए ट्रिक्स भी सीखिए स्पीड पर भी काम कीजिए ओके okay, तो आज शाम को सात बजे क्लास नहीं होगी सबको क्लियर है कल हम मुलाकात करेंगे दोपहर में एक बजे फिर शाम को सात बजे थैंक यू सो मच मिलते हैं आप सभी लोगों से आगे की क्लासेस में थैंक यू जय हिंद